मार्केट में हम लोगों से शांत करा रहे, लेके जा रहे, क्योंकि फिर हम लोगों ने सोचा यार अब नहीं खड़े हो सकते। डुगू भी बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा था और काफी आने के एक घंटे तक चेंज तक नहीं कर पाए कपड़े। आज ये सीन क्रिएट हुआ था ना घर में। अच्छा रो रहा होता है ना तो लोग आपको बहुत अलग ढंग से देखते हैं। हम लोग कोई मार्केट में जब मैं लेके जा, क्योंकि पार्किंग एरिया तक तो आपको जाना पड़ता है, जब मैं लेके जा रही थी ना लोग ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया है किसी का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाउस हेल्प काम कर दी गई है, अभी थोड़ा पहला हुआ है तो मैं काम करना, तो मैं रोटी बना रही थी, दाल मेरी हो गई है, एक सब्जी बना दी है बच्चों के लिए। जिया चली गई अपना खाना लेकर, मुझे जिया का खाना चला गया, भूख भी मांग रहा है तो फटाफट लोग की रोटियाँ जो है ना वो सेक रही हूँ। आज पता नहीं हमें तवा नहीं बैठता इस पर, तो फटाफट रोटियाँ बना के लेके जा रही ताकि जो लंच है वो हो जाए हम लोग का। जो फिर राजा जो हैं वो भी गए हुए हैं, थीम फाइनल करके, फोटोग्राफर फाइनल करना है और ढोल वालों को भी बोलना है, तो डाल के ढोल वालों को बोल दें। बाकी पूरा हो गया, डीजे वीजे सब हो गया है और अभी हमें थोड़ी डांस प्रैक्टिस भी करनी है और तो मम्मी पापा के पास जाके उनसे भी डांस प्रैक्टिस करानी है मुझे, कि वो लोग भी एक कम से कम डांस जो है वो रेडी कर लें अपना, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से रोटी बनाओ, डुगू को खिलाओ ताकि हम लोग शाम में फिर राजा के कपड़े और कुछ एक्सेसरीज हैं जो मुझे ज्वेलरी वूलरी लेनी है उसके लिए निकलेंगे। तो राजा जब आएंगे तो मैं गरम चावल चढ़ा दूँगी, रोटियाँ मैं सेक के अभी रख रही हूँ क्योंकि रोटी का काम नहीं पड़ जाए ना, और गर्मी लगती है रोटी बनाते टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई अभी से, इतनी गर्मी मुझे। तो हमारी लंच की प्लेट लग गई है, ये है डुगू के लिए दाल और ये सब्जी, ये मेरे लिए सब्जी और रोटी खाने वाले हम लोग, क्योंकि चावल बनाए नहीं है राजा को, इसमें बनाए हैं लेके जा रहे हैं। राजा बताइए क्या क्या करके आए हैं, तो राजा बताएंगे अभी वो क्या क्या करके आए हैं। हॉल फाइनल करके आए हैं, मेन्यू हमने पहले डिसाइड कर लिया था। हाँ बलून डेकोरेशन का फाइनल करके आया हूँ। हाँ। फोटोग्राफर को फाइनल करके आया हूँ। हाँ। और बस इतने करके आया हूँ। और बचा क्या है, अब तो सबसे बड़ा काम बचा है हमारे, ढोल वाला बचा है। हाँ। केक बचा है। हाँ। केक वाला दिक्कत ये हो गई है, जो मेरा केक वाले दो जने एक ही शॉप पे बैठते हैं जो डिजाइन करते हैं, वो दोनों एक एक दो दो महीने की छुट्टी पे अपने वापस घर चले गए। अब मैं किससे डिजाइन कराऊं केक, मेरे ही समझ में नहीं आ रहा। अब पता केक में एक इशू क्या होता है, बात है कि एक बड़ा बनना है, ऐसा छोटा मोटा तो ऐसे ही अपन किसी से ही बनवा। हाँ, अब जैसे वो उंजन से बनवाते थे, अगर आप कहीं और से बनवाते हो केक में इतना केमिकल कड़वा केक कर देते हैं, क्योंकि आप क्रीम देते हो जैसे पिंक, एक बार एक दो बार जिया के पिंक पिंक केक आए डॉल वाले, इतने कड़वे कि वो खाए ही नहीं जा रहे थे, वो इतने कड़वे आए। तो अभी राजा का सबसे बड़ा काम बचा हुआ, और राजा का काम कि राजा के कपड़े बचे, उसके बाद हम लोग की ज्वेलरी वगैरह जो जिया का देखनी है बेली, और डुगू का क्या देखना है बाबा, तो डुगू का कुछ देखना है। तो मेरे घर पे ही मैंने इनविटेशन भेजा, मम्मी से बात करी और बहन से बात करी उनके आने के लिए, बट मेरे मायके से कोई भी नहीं आ रहा है, और वो लोग का आने का पूरा प्लान था, बट 9 तारीख से माता की नवरात्रि हैं और अभी हम लोग के घर में भी कुछ होने वाला है जो कि मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, तो उसके उसमें कुछ पूजा पाठ होने हैं, तो वो अगर आते हैं 7 को अटेंड करते हैं तो वो 8 को भी निकलते, वैसे 8 को निकल नहीं पाएंगे और 9 से चौकी होगी माता की, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। अगर नवरात्रि थोड़ा सा आगे पीछे होते तो वो आ जाते, पर उनका आना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नवरात्रि जस्ट 7 के बाद 9 को नवरात्रि शुरू है, तो उनको वहाँ पर पूजा पाठ देखनी है।
तो वो लोग नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं कि हम नवरात्रि के बाद आ जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग को जाना ही है कुछ और काम वाम से, बताऊँगी मैं बाद में भी नहीं, क्योंकि काम बनते नहीं हैं फिर अगर बता दो पहले से, तो वो बात की बात है। और वो नवरात्रि जो है इस बार की हम लोग की वहाँ की भी इम्पोर्टेंट है, और वही मैं बोल रही हूँ काम है कुछ, और काम नहीं बिगड़ने चाहिए, काम बनने चाहिए, अब पहले से नहीं ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो यहाँ पे अभी फिर आपने क्यों बता दिया कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि मेरी फैमिली है, मैं आप सबको फैमिली की तरह मानती हूँ, तुम नहीं मानते। मेरे लिए ये है कि 7 साल 6 साल अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो और कुछ भी बता। नहीं तुम्हें मेरे दिल का दिल दुखा दिया है। कुछ भी ये मेरा दिल, अब मैं तुम्हें दिखा दूंगी ना तो फिर तुम बोलोगे मुझे क्यों दिखा, बनियान में लेटे हैं, वो भी ऐसा लग रहा होली वाली बनियान है। होली वाली ही है, मिल नहीं रही थी, मैंने बोला याद आ रही थी कि होली जब खेली थी वही पहले। तो अभी जाके मैंने थोड़ा काम निपटाया, मेरे से पता कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को साड़ी डाल, मेरे को साड़ी दिला दो यार। क्यों? मेरे पास येलो साड़ी नहीं है, मैं वो तो नहीं पहनूंगी। मेरे को पहले लग रहा था कि जो मैंने दिवाली के लिए आउटफिट लिया था लहंगा वाला, वो पहन लेती हूँ। हाँ हाँ, दिक्कत क्या है यार? वो बहुत ओवर हो जाएगा, बच्चों को काँच वाच गड़ जाएगा, जी गोदी काँच पूरा मिरर वर्क है इसमें, बर्थडे से पहले से पता था चोट चाट लग जाए मेरे से। पक्का वो नहीं पहनना, बहुत हैवी है राजा, बहुत बैठने में भी दिक्कत। वो है उसमें वो जो वो थे ना लहंगे में ऐसे वाले लगते जिसमें घेरे रहते हैं मोटे मोटे से, तो मैं नीचे कैसे बैठूँगी? सुंदर कांड है, कंफर्टेबल। मेरे पास जितनी येलो साड़ियाँ थी ना वो मैंने इधर उधर कर दी, मेरे पास एक दो येलो साड़ी मम्मी लेके आई थी मेरी, मैंने मम्मी को ही वापस कर दी। वो बुलवा लो अभी, इधर आ जाएगा अमेज़न से। और ब्लाउज, ब्लाउज तो है ही नहीं यार। रेडी टू ईट वाली ले लो ना। रेडी टू ईट, रेडी टू वेयर। सोचो कभी ऐसे कपड़े आने लगे जो रेडी टू ईट हो, क्यों आप पहन भी सकते हो, पहनने के बाद खा लो अपने कपड़े। रेडी टू ईट। तो बस ये अभी जा रहे, तैयार होना है, चाय बोल रहे। डुबू के डायपर बंद हो गए हैं, डुबू डायपर नहीं पहनता। बधाई हो, बधाई हो जिया, भैया डायपर नहीं पहनता, हमारा डायपर का एक का खर्चा बचने लगा है, बस हाँ लेके रखे हुए हैं। तो हो गए हम तैयार, बस निकल रहे हैं। बहुत बड़ा काम है राजा के कपड़े सिलेक्ट करना है, बहुत बड़ा काम है। हम 3 एक साइज, वो अकेले हम लोगों से 10x एक साइज। चलो 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 चलो, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, अरे जी अनुगु बल्ले बल्ले। मम्मी इतना बड़ा काम है ब्लेजर है, सबसे बड़ा काम है फिलहाल। और गए थे बहुत ही ज़्यादा पहले।
पहले और आज राजा की सूट। तो हम लोग आ गए थे आज बहुत ही जल्दी और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, मैं थोड़ा पानी पी लूँ यार, बहुत गर्मी हो रही है पता है आपको। बच्चे सो गए, बच्चे थक जाते हैं मेरे आजकल बहुत ज़्यादा। हम लोग गए और मुझे इयररिंग लेनी थी, राजा का सूट लेना था, मतलब राजा का ब्लेज़र ही लेना था, फिर मैं जीन्स लेनी थी। पर बाई चांस पूरा मैचिंग का मिल गया, उनका ब्लेज़र शर्ट का पूरा आई थिंक 6K का पड़ा वो, और उसमें ट्राउज़र सब कुछ मिल गया। तो वो गया है फिटिंग के लिए, तो कल मिल जाएगा राजा का और कल मेरा भी जो गाउन है वो मिल जाएगा। परसों सुंदरकांड है, तो मेरे को लग रहा है यार येलो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे पास, और जो है वो बहुत हेवी वाला है, या वो बहुत हेवी है, पता मेरे को पूजा में बैठने की बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं साड़ी देखूँगी रेड वेड में, मैं बोल रही थी ये क्या मैच करना है यार, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहन पाऊँगी अभी इसलिए। और अगर मैं थोड़ा टाइम रह पाती वहाँ पे तो ब्लाउज़ वगैरह सब आ जाते। तो क्या हुआ, हम लोग राजा का घर आके गंजीपुरा पहुँचे। गंजीपुरा यहाँ की बहुत अच्छी लड़कियों की मार्केट है, बट अब पता नहीं यार मुझे बताएगा जो भी जबलपुर से है वो मुझसे अग्री करते या नहीं करते, वो इतनी अफोर्डेबल बची नहीं है जितनी अफोर्डेबल वो हुआ करती थी, या फिर मैं बार्गेनिंग करना भूल गई हूँ। तो लोग पहुँचे, मुझे लेवेंडर कलर में ईयरिंग्स चाहिए थी, वो ईयरिंग ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मेरे को सेट चाहिए था पहले, तो मैंने वेस्टर्न वेयर के हिसाब से सेट देखे तो सेट मैच ही नहीं कर रहे थे। एक मिनट में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली मैंने ना ली और मोटर चल रही थी, मोटर का पानी बह गया तो ये लिया। और ये जो थी ये 150 का पड़ा, मुझे लगा कुछ नहीं मिलता तो एटलीस्ट ये थोड़ा मैच कर जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो लाइट्स दिख रही है ना, जैसे जो चमकीला चमकीला आपको ऐसे दिख रहा है चमक चमक से, तो उस पर वो ये मैच, तो उस पर ये मैच कर जाएगा। तो ये वाला मैंने एक ले लिया। उसके बाद फिर राजा ने बोला एक काम करो चलते हैं और जगह देख लेते हैं, अगर इन केस बाई चांस मिल जाता है तो फिर हम लोग गए उससे दो तीन दुकान छोड़ के, तो मुझे लेवेंडर कलर में मिल गया। ये बहुत ही ज़्यादा ये देखिए, तो ये मिल गई मुझे। तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगी उसके साथ पेयर अप, जो मेरा आउटफिट है हेवी है, ये काफ़ी हेवी है। ये 260 का बोल रहा था, 250 में दिया है लास्ट उसने ये, और पता नहीं मेरे को महंगा या सस्ता है, बट हैवी बहुत है और बहुत अच्छा है। इतना आप लोग को देख लिया, तो मुझे ये मिला, ये उसने दिया जो पहले बार से लिया था 150 का। तो दोनों आ गए, मैंने बोला चलो ठीक है कोई ना, और क्योंकि हैवी आ गया है मेरे को लग रहा है इसी के स्टोन से मैचिंग का मैं सेट देखती हूँ मेरे पास रखा हो तो। मेरे पास काफ़ी सारे सेट रखे, पर लेवेंडर वाला मेरे को नहीं लगता है कोई लेवेंडर सेट रखा है, तो देखते कुछ पर्ल में मिल जाए कुछ, तो उसमें हम कुछ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो कल मैं अपने उस वाले रूम से मैच करूँगी। उसके बाद मुझे लगा सेट देखते हैं, जैसे मैं अभी ये ईयरिंग ली है जिया ने रोना शुरू किया, वो रोती गई पूरी मार्केट में, हम लोग उसे शांत करा रहे लेके जा रहे, क्योंकि फिर हम लोगों ने सोचा यार अब नहीं खड़े हो सकते, डुगू भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा था और काफ़ी रश रहता है वहाँ पे। तो फिर आए हैं हम लोग भाग के, मुझे जिया के लिए झबले लेने थे, जिया के लिए हेयर एसेसरीज लेनी थी, अपने लिए हेयर एसेसरीज लेनी थी। इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया, जब तक हम कार में नहीं बैठ गए वो शांत नहीं हुई, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि शांत करा ले, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। उसके बाद फिर वो कार में आई, खेलने लगी, फिर सो गई कार में, फिर मेरे को लगा चलो अभी थोड़ा सो रही है अब चल के हम लोग देख सकते हैं। जस्ट हम वापस गंजीपुरा की तरफ मुड़े हैं और उसने फिर से रोना शुरू कर दिया, इतना बुरा रो रही कि मैं उसे फीड करा रही, कुछ भी करा रही, शांति नहीं हो रही। राजा फिर बाहर लेके उतरे उसे, उसके साथ शांत करा रहे तो भी शांत नहीं हो रही। उसका एक कान एकदम लाल लाल सा लग रहा था, हमें लगा उसके कान में कुछ हो गया है क्या, पर नहीं वो सो रही थी तो एक कान दब गया। मैं थोड़ा वेट करते हैं वरना फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया, उसके बाद फिर वहीं पे शांत कराते रहे, फिर उसको क्या बोलते मैंने फीड करा, फिर जाके वो फिर सो गई। फिर मेरे को रिस्क नहीं लेना था बच्चों के साथ, जबकि उनके फुटवेयर भी लाने थे, मैंने बोला यार काम करते तुम्हारा हो गया मेरा ये हो गया, अब दिन में कल कर लेंगे, क्योंकि परसों से हम कहीं जा नहीं पाएंगे और राजा ही देखेंगे बाहर का, मेरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बोला एक काम करूँगी मैं कल अपना जो भी पार्लर का थ्रेडिंग जो भी थ्रेडिंग मैंने बनवाई थी पर हल्का फुल्का जो भी है वो करवा देंगे, और फोटोग्राफर जो है ना बुक करा है उसे 100 एल्बम का बोला है। मैंने उनसे स्पेशली ये बोला है कि वो
बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं यहाँ के, उनसे मैंने स्पेशली बोला कि आप फोटोज जो लोगे वो फैमिली फ़ोटो एक मेरे को मेन चाहिए बड़े उसमें, मतलब अब हम चारों हैं और चारों के कलर कॉम्बिनेशन जो हैं वो भी जहाँ तक हैं वो मैच हो रहे हैं। राजा और डुगू का बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है, मेरा और जिया का बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है, इन टोटल सबका मैच हो रहा है, बट उन दोनों का ज़्यादा हो रहा है, हम दोनों का ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कपड़ा लेके नहीं सिलवाया, हमने 2 दिन में ये शॉपिंग करी है। और डुगू के बर्थडे पे राजाओं ने एकदम सेम पैटर्न का बनवाया था सूट, और जिया के लिए मुझे बैंगल्स लेनी थी, छोटी वाली आती है सिल्वर कलर की, बहुत प्यारी, गोल्डन वाली है मेरे पास, पर उसके साथ सिल्वर या पर्पल जाएगी, तो मेरे को लगा सिल्वर सेट भी ले लूँगी, वो भी नहीं ले पाई, ठीक है, और कोई हेयर एक्सेसरीज कुछ भी नहीं, मतलब पूरा मतलब जा रहा हम लोग का ऐसा हो गया आज कि कुछ नहीं हो पाया, पता है बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने राजा को बोला कल मैं ना उनके साथ चली जाऊँगी नैनी के साथ, तो मुझे स्कूटी चलानी आती, उन्हें भी आती, मैंने बोला एक चक्कर मैं लगा लूँगी, वो पीछे बैठ जाएंगी, एक बार वो आ जाएंगी। तो राजा मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग संभाल तो लेंगे बच्चे को, पर राजा को डर लग रहा है, राजा कह रहे नहीं है तुम नहीं जाना, फालतू में कुछ हो एक्सीडेंट, अभी यहाँ पे एक्सीडेंट ना देख भी लिया हम लोग, यहाँ पे एक्सीडेंट जब आ रहे थे तो एक ट्रक और कार की टक्कर दिखी हम लोगों को, जिसमें आई थिंक कार वाले बच गए जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि कार इतनी डिस्ट्रॉयड नहीं थी, जस्ट टक्कर थी। अब टक्कर किस इंटेंसिटी से थी तो कार की वो समझ आती, तो कार सही लग रही थी एकदम, तो कोई डैमेज आता थी नहीं, तो वही बोल रहे कि रहन दो भैया, हमेशा हम लोग के फंक्शन कारण से कुछ भी कारण से बिगड़ते हैं, तो हमें कुछ भी चाहिए है वो हम आसपास के शॉप से देख लेंगे, और बाकी तुम अपना वो जो है वो देख लो, और सुंदरकांड वाले दिन बच्चों को करने दो एक दूसरे से मैच, हम लोग भी एक दूसरे से मैच करेंगे। मुझे लग रहा था एक पार्लर बुक कर लेती मैं अपने लिए, मेकअप तो नहीं, मेरे को अपना ये कराने के बाल, मेरे को बाल नहीं समझ में आ रहे, मैं अभी इतने सारे शॉर्ट्स देख रही थी हेयर रिलेटेड गाउन में, तो मेरी जो इनकी नैनी आती है उनको ना एक उनको यहाँ से कुछ आती है, ऐसे चोटी, मेरे को जो चोटी गुथनी आती है ना वो उनको आती है, मैं चाह रही हूँ कि वो चोटी यहाँ से गुथ के एक बार मैं आज देखूँगी कैसा हेयर स्टाइल वो बना सकती है, बाकी कर्ल वर्ल के लिए मैं सॉर्टेड डुग क्रम पर मैं कर लूँगी, तो मुझे लग रहा है फ्रंट में डुगू के टाइम पर भी मैंने पार्लर से रेडी नहीं हुई थी, जो मम्मी मेरी है ना वो पार्लर से रेडी हुई थी, तो मैंने ना क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल कराया था हमारे यहाँ पार्लर वाली आई थी जो उनसे, बस और बाकी मैं खुद ही रेडी हो गई थी, तो मुझे ना खुद का मेकअप अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती है कुछ, बट मेरे को पता है एक चीज़ लगती है जब आप किसी और के हाथ से रेडी होती है, पता नहीं यार मेरी थिंकिंग है, आपको थोड़ा मेकअप ओवर हो जाता है कुछ भी आपको लगता है, मेरे को लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है, और अपने हाथ से आपको थोड़ा अंदाज़ा रहता है, बेशक आप थोड़ा कम तैयार हो रहे हो पर वो आपको अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप ही रेडी होने वाली हूँ, बस मुझे बालों पे लग रहा है, तो मैं देखती हूँ कल अगर मेरे को बालों समझ नहीं आए और कुछ नहीं आया, हेयर स्टाइल नहीं आया समझ में, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मेरे पर बहुत ज़्यादा ना ईचिंग हो रही है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कल ही मैं ऑयलिंग करूँगी, सुंदरकांड वाले दिन बाल वॉश करूँगी। तो यहाँ पता मेरे ना ये हुक में ना बाल अटक रहे हैं, मैं पता बहुत ज़्यादा ना पैनिक से हो जाती है, मेरे साथ ज़्यादा दिक्कत है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी ना हड़बड़ा जाती हूँ, मैं हड़बड़ा जा रही हूँ क्योंकि मैं हड़बड़ाने लगी हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो, मुझे खुजली भी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो है। और अभी क्या हो, हम लोग 2-3 बार पूल में नहाया है ना बाहर ऊपर, तो बाल पूरे टाइम पानी पानी में रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, और बच्चे ना बहुत अलग अलग से बिहेव करने लगते हैं। फिर हम लोग जब घर आए हैं तो डुगू आके इतना रोया इतना रोया इतना रोया क्योंकि वो कार में सो रहा था, उसकी नींद टूट गई, उसके बाद बहुत रो रहा बहुत रो रहा, शांत करा रहे सो भी नहीं रहा है। फिर मेरी मदर इन लॉ लेट गई थी, फिर वो ऊपर आई हैं, फिर वो जिया को देख रही थी, मैं डुगू को संभाल रही थी, राजा ने फिर जाके चेंज किया, हम लोग आने के 1 घंटे तक चेंज तक नहीं कर पाए कपड़े, आज ये सीन क्रिएट हुआ था ना घर में, और बाहर भी वही सीन की हम पता पता क्या होता है, आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब बच्चा रो रहा होता है ना तो लोग आपको बहुत अलग ढंग से देखते हैं, हम लोग कोई मार्केट में जब मैं उसे लेके क्योंकि पार्किंग एरिया तक तो आपको जाना पड़ता है, जब मैं उसे लेके जा रही थी ना लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो, या किसी का बच्चा उठा लिया हो मैंने, या किसी कुछ कर दिया, पता नहीं बहुत अलग ढंग से घूर रहे थे, और वो ऐसा कि ना वो ऐसे शांत हो रही ना वो ऐसे शांत हो रही है, पब्लिक प्लेस पे तो फीड नहीं कराने बैठ जाती मैं कहीं, मैं बोला कार में फिर मैं उसे बोल भी रही हूँ शांत से, बेटा क्या हो गया, वो ऐसे रोती नहीं है, मेरे को कोई समझ में नहीं आया हुआ क्या उससे एकदम से, मेरे को लगा झटका लग गया क्या लग गया उसका, कार में भी वो रेगुलर हो रही, फिर डुगू आया डुगू भी लगातार रो रहा लगातार रो रहा कि मम्मी उठ के आई हैं, मम्मी लेट गई थी, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही, उन्हें वीकनेस सी हो रही थी,
तो फिर मैंने नींबू पानी दिया यहाँ पे, मैंने बोला नींबू पानी ले रहा, थोड़ा नींबू पानी पी के फिर वो गई, उनको खुद भी चक्कर चक्कर से आ रहे थे। तो फिर ये शांत हुआ है, थोड़ा खेला है, खाना ऐसे सर मैंने बनाया नहीं देने के, खाना जो था वो था रोटी वोटी रखी थी तो वही खा ली उन लोगों ने। चाय बनाने जा रही थी मैं अभी कि थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे उसके बाद जाके वो करेंगे। और गेस्ट लिस्ट भी है जो वो रेडी हो गया, मेरे को बहुत माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या, मुझे खुजली बहुत हो रही है पता नहीं, क्योंकि ना पता पूरी बॉडी में ना ऐसा लग रहा है ईचिंग सी हो रही है, मेरे पूरे पैर के पीछे ऐसा लग रहा है जलन सी हो रही है, पता नहीं यार गर्मी के कारण हो रही है क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग ईचिंग सी, यहाँ ईचिंग यहाँ ईचिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ ईचिंग हो रही है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो रही हूँ। तो मेरा टी पार्टनर सो गया है, मैं जब तक आप लोगों से बात कर रही थी ज़्यादा सो चुके, तो मैं एक कप चाय बना रही हूँ, उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। एक्चुअली मुझे ना थोड़े से काम निपटाने हैं और मैं अपने काम इन लोग के सोने के बाद ही, बच्चों के सोने के बाद ही निपटा पाती हूँ। चाय जो है वो बन रही है और आज की वीडियो मैंने बात करने में ज़्यादा निकाली है और पता नहीं मुझे सॉरी है, पता नहीं क्या है, ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे हाथ जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरी ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कलर वलर के कारण हो रही है मुझे लग रहा है, कल मैंने कलर अप्लाई किया था और ऐसा कलर आ भी रहा है। तो कल वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल मुझे कुछ भी करके सारे काम निपटाने पड़ेंगे अपने। तो कल सुबह से मेरे को या पर दिन में इतनी धूप रहती है किसी को आप लेके नहीं निकल सकते कि चले जाओ और कर लो, तो बहुत सारा है निपटा लेंगे कोई ना। मम्मी पापा को मैंने अपने बोला था जैसे मैंने आपको बताया, उन लोगों को भी नवरात्रि भी है उन लोग, तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो उसके बाद, फिर आने वाली है उसके बाद से बड़ी मज़ेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।